हेलो, आज मैं बनाने लगी हूँ टर्किश लेंटल सूप एंड आई मस्ट से इट्स अ हेल्दीएस्ट एंड अ टेस्टीएस्ट फूड एवर। यू आर गोइंग टू ईट। लेट्स स्टार्ट। मैंने ले लिया था एक बड़ा कप लाल मसूर की दाल, फिर उसके बाद टमाटर, 5 से 6 जवे लहसुन के, एक गाजर और 2 मीडियम साइज़ के आलू और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है, और इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, मैंने गाजर कम ली थी, प्लीज़ गाजर की मकदार इस दाल में आपने ज़्यादा रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने जो है प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिया और उसमें मैंने डाल दिए गाजर, और उसके बाद मैं डालूँगी आलू, और आलू के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी लहसुन को भी। फिर मैं इनको अच्छे से आप भून लूंगी। फिर उसके बाद आपने दाल ऐड कर दी, मैंने उसमें नमक डाला एक खाने का चम्मच, लाल मिर्ची डाली 2 खाने के चम्मच, क्योंकि हम लोग स्पाइस ज़्यादा खाते हैं, नमक कम खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक चुटकी हल्दी ले ली, आप लोगों जिस हिसाब से आप लोग डालते हो उस हिसाब से ले लें, 1/2 खाने का चम्मच मैंने ले लिया पिसा हुआ धनिया, और अब मैं इन सबको कर लूँगी मिक्स 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 एंड अगेन मैं इसको भून लूँगी। अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है 2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है एटलीस्ट भी 1/2 घंटे के लिए, 1/2 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि हमने जो है ना बेसिकली इसको अच्छे से मैश कर देना है। फिर मैंने इसको उतारा और इसे मैशर के थ्रू मैश किया। मैश करने के बाद अगेन इसको चूल्हे पर चढ़ाया, अगेन इसमें पानी डाला, और पानी डाल के फिर से जो है ना मैंने इसको पहले तो इसको थोड़ा सा हिलाया जुलाया, और फिर फ्लेम देने के बाद इसको दोबारा से कूटा, फिर उसके बाद दोबारा से कवर किया। कवर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, फिर मैंने एटलीस्ट भी 15 मिनट के लिए इसको कवर किया था, अगेन पानी सूख गया, और फिर मैंने इसको स्मैश किया। अच्छे से इसको स्मैश करना है, मतलब इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं इसमें टमाटर आलू आप लोगों को कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। फिर अगेन मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको हिलाया, जैसे हम हलीम को हिलाते हैं, देन इसको कवर कर दिया था, फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, देन उसके बाद हो गई था मेरा ये टर्किश लेंटिल सूप रेडी। और देख सकते हैं ये दिखने में जितना मज़े का था ना, से कहीं ज़्यादा खाने में था। अगेन बोलूँगी कैरेट ज़्यादा डालिएगा, पोटैटो भले कम डालें लेकिन कैरेट का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा। फिर जी हम यहाँ आ जाते हैं। ये मैंने ना दराज से कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान था, मेरे पास कबर्ड में रखने की जगह नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ये जो अनस्टिच सूट जो सालों साल पड़े हुए थे इनको निकाल लिया, और इनको इन बैग्स में एडजस्ट किया। मेरे पास बहुत सारे अनस्टिच कपड़े हैं जो कि सिलने के इंतज़ार में, बट मैं बनवाती भी हूँ, बट अगेन कोई ना कोई गिफ्ट दे देता है तो फिर इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं मेरे पास। तो फिर मैंने इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में करके मैंने सोचा कहाँ रखूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बेड के बैक साइड पर रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास स्पेस है ना, तो वो दिखेगा और ना ही बुरा लगेगा। और इसी तरीके से मैंने फिर एक ऑर्गेनाइज़र में अपने सारे सर्दी के शॉल और स्वेटर्स वगैरह ये सब चीज़ें डाल दी। 2 ऑर्गेनाइज़र्स में तो मेरे अनस्टिच कपड़े और ये सब चीज़ें ही आ गई थी, बाकी के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उसमें मैंने बुराक के कुछ एक्स्ट्रा सर्दियों के कपड़े, अपने सर्दियों के कपड़े, मतलब ये सब डाल के रख दिए थे। तो मतलब ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना बड़े काम के, मैं कहती हूँ इसके बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। फिर जी मुझे बनाना था स्पैगेटी, तो मैंने अपने मियाँ को बोला कि मुझे इस ग्रेटर की हेल्प से जो है ना कैरेट के स्लाइस कर दे, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना गाजरों को काटने में, तो इससे बेहतर है कि आप लोग, अगर आप लोग के पास ये मशीन है, इसके थ्रू स्लाइस करें और फिर इस तरीके से इसको काट लें। तो यहाँ पर मेरी वेजिटेबल्स कट हो गई थी, लेकिन जो स्पैगेटी वाली थी ना वीडियो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खैर अब शाम का टाइम था, बल्कि रात हो गई थी। हम लोग गए थे अम्मी की दोस्त की तरफ, और वहाँ पर हम लोग को जाना था लाजमी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर फिर मैं और मेरी सास राफे हम सब मिलके उनकी फ्रेंड के घर पे गए। अच्छा फिर हम यहाँ से वापस होकर आए ना, तो मैं आप लोग अपना एक कारनामा दिखाती हूँ। मैंने एक चप्पल ली थी सुलाफा से जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इसकी यह हालत हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी ट्रांजिशन कर दूँ, इसकी हालत को सुधार दूँ। तो ये फाइनली मैंने टन टन ठीक कर दी थी। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।